हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, क्लास 12 का क्वेश्चन है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट ए स्टेडी रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टिनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ कॉनिकल वेसल हुज एक्स इज वर्टिकल। कॉनिकल वेसल है, इसके बॉटम पे एक होल है, यहाँ पे यहाँ से पानी निकल रहा है। किस रेट से? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब क्योंकि डिक्रीज हो रहा है लेवल, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। और व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इन द वेसल इज 4 सेंटीमीटर, जब इसकी स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर होगी, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। हमें क्या निकालना है? dL/dt। dL/dt हमें फाइंड करना है जब L 4 सेंटीमीटर होगा। वेयर द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉनिकल वेसल इज पाई बाई सिक्स। सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है कि पाई बाई सिक्स है। तो ये क्वेश्चन है कि dL/dt फाइंड करना है और dV/dt गिवन है और एंगल गिवन है पाई बाई सिक्स, सेमी वर्टिकल एंगल। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr² h। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि r और h दो वेरिएबल हैं, हमें दोनों ही नहीं चाहिए, हमें l चाहिए। तो इन दोनों को हमें l में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। मान लो किसी टाइम पे ये रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आर अपॉन अगर एल करेंगे तो साइन पाई बाई सिक्स। तो आर की वैल्यू एल अपॉन टू आ जाएगी, क्योंकि साइन पाई बाई सिक्स 1/2 होता है। और अगर हम एच अपॉन एल करेंगे तो कोस पाई बाई सिक्स, √3/2L। इस तरह से हमने आर और एच दोनों को एल में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ट्रायंगल, आप समझ गए होंगे। अब ये कन्वर्ट कर लेते हैं 1/3 π, आर की जगह और एच की जगह हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो ये बन गया √3/3 × 4 = 12, 2 = 24 πL³। बस अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो 3√3 πL² dL/dt। dV/dt -1 गिवन है, ये √3/8 πL की जगह हमें 4 रखना है यहाँ पे, गिवन है। तो dL/dt यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो dL/dt कितना हो गया? -8 π/16√3 π cm/s। ये कैंसिल कर देंगे, तो -1/2√3 π सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो स्लैंट हाइट है डिक्रीज एट 1/2√3 π cm/s। ये माइनस साइन है ड्यू टू डिक्रीज, तो यहां पे हम नहीं लिखेंगे माइनस का साइन। तो ये आंसर आ गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।